बना रही हूँ तुरई की सब्जी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एंड रोटी बनाऊंगी, तुम्हें क्या नहीं पसंद है सब? जो चीज होती है तुम्हें पसंद ही होती है। मुझे पसंद नहीं है गाठिया और चाय। एक या दो ही चीज तुम्हें पसंद नहीं है, बाकी सब चीजें इसको पसंद ही होती है। हाँ, तो मैं ये सिंपल ही बनाने वाली हूँ। आज तो सब जगह सबके घर में कुछ ना कुछ नया ही बनेगा, ज्यादातर भजिया ही सबके घर में बनेगा। और यहाँ पर गांव में पूरी बनाते हैं शाम को, कोई दही के साथ खाता है, थेपला या पूरी कुछ भी, कोई सिखन के साथ भी खाता है, ये अलग अलग सब किसी के साथ खाएंगे। लेकिन आज हमारे घर में सिंपल सब्जी रोटी बनने वाली है, क्योंकि आज किसी का कोई कुछ नया खाने का मूड नहीं है, तो सब बनवाना बोल रहे हैं इसलिए। और धुलेट्टी के दिन भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ नई चीज बनाते ही रहते हैं दोपहर को खाने में, लेकिन कल क्या बनेंगे वो अभी मैंने सोचा नहीं है, वो बाद में शाम को मैं डिसाइड करूंगी। और आज जो होली प्रगटाने का जो टाइम है, प्रगट बोलते हैं उसको, उसका मुहूर्त है वो आज बहुत ही जल्दी है, 6:30 बजे के बाद ही आज का मुहूर्त है। तो यहाँ पर तो जल्दी ही सब होता है, 7:30 बजे तो शायद हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी धूप भी नहीं गई है, धूप है बाहर, और 6:30 बज गए हैं। और प्लॉटिंग का सब क्लीनिंग करके मैं सब काम खत्म करके अभी आई हूँ, और 7 बजे तक मैं खाना बना लूंगी। बाद में सब बुलाएंगे तो सबके साथ जाना है, और ये मेरी पहली होली है यहाँ पर, तो मुझे वो सब भी यहाँ का देखना है कि गांव में सब कैसा होता है, यहाँ पर क्या कैसे सब पूजा होती है, वो भी सब देखना है। तो वो भी थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा है कि यहाँ पर कैसे सब होता है। मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा, आपसे भी कम देखा है। हम राजकोट में होते हैं, तब इतने 6:30 बजे तो हमारा नाश्ता होता है, और यहाँ पे तो खाना बनाना स्टार्ट हो गया है। हम राजकोट में होते हैं तो 10:30 बजे ही ऑलमोस्ट होता है हमारा शाम का खाना, तो 9 बजे तो 8:30-9 बजे में खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, और यहाँ पे 6:30 बजे हमारा खाना बन रहा है अभी। खाएंगे को? पापा और पीयूष दोनों अभी काम पे गए हैं, 5 बजे तक सो रहे थे। यहाँ तो सिर्फ रेस्ट ही होता है करना, तो 5 बजे तक सो रहे थे, बाद में चाय नाश्ता करके अभी काम पे गए हैं दोनों। मुझे अभी जाना चाहिए, खुशी की हेल्प मुझे चाहिए। हेल्प की तो कोई इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन ये मेरी बच्ची है, मेरे साथ हर वक्त रहती है, तो मम्मा को बहुत अच्छा लगता है कि हमेशा मेरे साथ ही रहे, तो इसलिए मुझे वो अच्छा लगता है कि इसे कैसे निकालूं? कोई भी काम में मैं इसको साथ रखूं, और अभी से मैं ये सब इसको थोड़ा बहुत सिखाती भी हूँ कुछ ना कुछ, ताकि उसको भी ये सब समझ आ जाए कि ये हमारा जो डेली रूटीन होता है, वो हमें कुछ भी काम करे, पढ़ाई करे पड़ी हो के या कुछ भी करे, लेकिन ये हमारा डेली रूटीन होता है, वो हमें करना ही होता है। तो अभी से थोड़ा बहुत मैं इसको सिखाती हूँ, और ये अच्छे से सीख भी लेती है। वेजिटेबल कट करना नहीं, सब्जी बनाना भी मैंने ऑलमोस्ट सिखा दिया है। हाँ। लेकिन मुझे टमाटर और सेव की सब्जी बनाना आते है, और कोई नहीं आती। और सबसे पहले मैंने टी बनाना सीखा था, चाय बनाना सीख लिया है, तो अब यहाँ पर दादा के लिए चाय बनाती थी, चाय बना देती है। और जब दादा राजकोट आए थे तब भी मैंने उनको बना देती थी। तो अभी मेरी सब्जी कटिंग सब्जी हो गई है, तो अभी सब्जी को तड़का देंगे, बाद में रोटी बनाएंगे, तो देखते हैं अभी पूजा कैसे होती है, कब जाना है। आपको भी दिखाएंगे? हाँ, आपको भी दिखाएंगे ये हमारी यहाँ की होली कैसी है, लेकिन अभी यहाँ पर विलेज पे है, तो
इतना मैं ज्यादा शूटिंग कर नहीं पाऊंगी, कर पाऊंगी इतना आपको दिखाऊंगी। ऐसा क्यों? ससुराल होता है तो थोड़ा बहुत ये सब करना होता है। क्या? यहाँ का जो रीति रिवाज सब होता है वो निभाना होता है। यहाँ पर मेरी सब्जी है और रेडी हो चुकी है अभी, और मुझे अभी बनानी है रोटी। खुशी ने अभी दिया बाती कर लिया है। मुझे आ गया। और सनसेट भी अभी हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारे घर से ही सीधा हमें विंड मिल देखने को मिलती है। ये देखो सनसेट हो चुका, और ये लड़की यहाँ पे पूजा कर रही है। अभी होलिका दहन के लिए जा रहे हैं, सब रेडी होके मेरा वेट कर रहे हैं। और मेरा अभी सब काम चल रहा था तो मुझे थोड़ी देर हो गई, तो अभी लोग तो है नहीं यहाँ पर, तो अभी जा रहे हैं हम। आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा,